काम हो गया ये? हाँ सिर्फ काम हो गया, काम हो गया। अभी हम लोग कहाँ से कुछ अभी हम लोग क्या इसी बात के लिए फायदा क्या है? आप इसको कंप्लीट करके आप लेंगे, आप दो साल चार साल तक आपका सैंक्शन नहीं होगा स्टाफ और मैन पावर, ये ऐसा पड़ा रहेगा तो फिर ये सब घूमने लगेंगे। आपने शुरू तो किया प्रोसेस की, आपने डिमांड वेमेंट रेज किया कि नहीं किया है कि ये सैंक्शन हुआ इस वर्ष में ये? तो डायरेक्टर ने मना थोड़े कि आपको कि आज प्रपोजल भेजने के लिए, वो उनको कैसे पता चले क्या जरूरत है क्या नहीं? आप डिमांड भेजेंगे भाई, आप किस जगह बन रहा है, आप इसको इंचार्ज होंगे देखभाल करने के लिए। आप जब तक डिमांड नहीं भेजेंगे तब तक आप फॉरवर्ड बनाए कि इसका 50% हो गया, आप इतने महीने में हमें ये मिल जाएगा इस चीज़ों पर। तो देखिए आप भाई ये हैंडल कर देंगे आप जो है चेक कर फाइल निकाल लीजिएगा, निकाल के आप जो है तो आप देखिए एक तो मांग गया कुछ नहीं जाएगा। गाँव से आप चौहान परवा मचो कितना पड़ता है ऐसे यहाँ से 33 किलो तो कब से एडमिट हो यहाँ पे? यहाँ से हो गए 15 दिन। अच्छा क्या दिक्कत है? दिक्कत ये अच्छा उसके बाद निकाल देंगे तो गड़बड़ी है किसने रोका है उन्होंने? अच्छा महीने में कितना आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है हैवी व्हीकल्स का? इस समय हैवी व्हीकल हमें सर मोटरसाइकिल और कार का रेशियो इसके साथ से कम चल रहा है, लगभग 1500 से 2000 और कमर्शियल लगभग 100, जिसमें मैक्सिमम छोटे वाहन बस और ट्रक का रजिस्ट्रेशन लगभग। रेवेन्यू है एनुअली क्या टारगेट है रेवेन्यू टारगेट सर या उसके कितना उसके अगेंस्ट में कितना हम रिकॉर्ड कर पाए? 91.5 कमर्शियल दोनों देने के लिए आना पड़ेगा? हाँ सर फाइलिंग है सर, MBA एक्ट में भी चेंज नहीं हो पाया है, फाइल आती है, हार्ड कॉपी भी आती है, एप्लीकेंट को आने की जरूरत नहीं, दो डीलर ही आ जाता है। आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है आपका, अगर कोई पूछ जाएगा तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम है परिवहन विभाग का? सर अभी यही कंसर्न चल रहा है कि लाइसेंस का स्लॉट को और जो वेटिंग पीरियड है उसको कम किया जाए। अच्छा जब ऐसे ही जब ये सिस्टम नहीं था आपका, जब नॉर्मल सिस्टम से आप जारी करते थे मैनुअली इस चीज़ों पर, तब कितने दिन में जारी हो जाता? न्यू एक्ट एंड सरकार का कमिटमेंट क्या है कि अप्लाई करने के बाद कितने दिन में मिनिमम देना चाहिए उसको? होगा ना कि हम इतने दिन में देंगे टेस्ट देते ही सर, टेस्ट देते ही यहाँ अप्रूवल हो जाता है, उसके बाद वो सेंट्रली तो मुझे आपके डिपार्टमेंट की मैंडेट के हिसाब से कितने दिन में मुझे लाइसेंस मिला? लर्निंग नेक्स्ट डे मिल जाएगा, वो तो बाहर से ही प्रिंट आउट ले लेना, यहाँ आना भी नहीं। लर्निंग नहीं आपको जो परमानेंट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन किया और लाइसेंस मिलने के बीच 3 डेज में सर हो जाता है, देन अप्रूवल होने के बाद वो हेडक्वार्टर जो TC ऑफिस से वहाँ से जो मतलब प्रिंट हो गए वहाँ तक आना है। कितने हैं आपके यहाँ पे?
इनको टाइम पे पैसा मिल जाता है मिलता है सर पैसा इनका जो भी डिले रहता है मार्च तक सबका पेमेंट कर जाता है बेनिफिशियरी का तो बताता है अच्छा तो आशा कटी होता है वो अपना कार्ड नहीं लाते हैं या जिनका आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है बैंक अकाउंट नहीं है जिनको उसी में प्रॉब्लम आता है तो मैं हमारा कमिटेड में चला जाता है तो हो जाता है पेमेंट सबका हो सब क्रेडिट कार्ड पुराने नए मिला के जैसा हम लोग 5.6 है पूरे अच्छा कितने ऐसे होंगे कि जो कंडम लायक है और जिनको हमें ये करना है 12 लाख के प्लस 8 कंडम होनी है नहीं ऑर्डर ही बसर्स कितने अलॉट होंगे आपको अभी जो जारी हुआ ऑर्डर 10 हुआ 10 हुआ पूरा सीक्वेंस तो 8 कंडम कर रहे हैं 10 आ रहा है अच्छा आने वाले 3-4 महीने में और कितने कंडम होंगे मार्च तक पक्का निकाला तो पूरे रीजन में 20 परसेंट